न्यू सेवन क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर सिक्स स्टार्ट कर दिया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें से मैंने आपको फिजिकल चेंज भी बता दिए थे। फिजिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं? फिजिकल वे चेंज होते हैं जिसमें फिजिकल चेंज द सब्सटेंस डज नॉट लॉस इट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट ओनली अंडरगोज चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट। जिसमें कोई भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर और फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू सॉलिड, है ना? ठीक है, अब हम केमिकल चेंज करते हैं। इन्हें केमिकल चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव राइज टू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं डेट हैव एंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज कंपेयर टू डोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। और इसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आ जैसे कुकिंग ऑफ राइस, जैसे राइस पक गया तो बिल्कुल वो जो रॉ राइस है, कच्चा राइस है, उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से हम दही बना रहे हैं, वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी वाला होगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस, बर्निंग ऑफ फ्यूल, लिब्रेशन ऑफ गैसेज, ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, देखो इसमें एक एक्टिविटी कर रखी है। इसमें एक हमने डिश ली, इसमें शुगर को हम जला रहे हैं। ठीक है, तो शुगर जल के ब्राउन कलर हो गई और चारकोल बन गया। अब इस चारकोल से हम दोबारा शुगर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस बन गया है। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज है। ऐसे ही देखो यहाँ पे कैंडल को हम बर्न कर रहे हैं, तो कैंडल बर्न हो रही है तो क्या होगा? ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के रिबिन को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, जिससे ऐश बन जाएगी। ठीक है, तो ऐश पाउडर से हम वापस मैग्नीशियम रिबिन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है और एग्जांपल, जैसे राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, रोस्टिंग पटेटोज, प्रिपरेशन ऑफ सॉप फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जिससे सब्सटेंस एक बिल्कुल नए कम्प्लीटली फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। सम सब्सटेंस कैन बी यूज टू स्पीड अप, स्लो डाउन द केमिकल चेंज विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन देमसेल्फ। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटेलिस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पीड बढ़ाने के लिए, केमिकल चेंज में स्पीड बनाने के लिए और स्लो करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन वो खुद अनचेंज्ड रहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। जैसे एन एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट इज क्लोरोफिल विच स्पीड अप द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। जैसे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस लीव्स में रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्लांट्स में रेट फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा देते हैं। ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाई ए केमिकल रिएक्शन विच इंक्लूड बोथ द स्टार्टिंग सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल चेंज में हम जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट तो हम लेते हैं और जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोड्यूस प्लस हीट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से द फर्स्ट रिएक्शन स्लो द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड द सेकेंड रिएक्शन शो द इवोल्यूएंट ऑफ हीट। इफ़ यू डिजोल्व वॉशिंग सोडा इन वाटर द चेंज इन फिजिकल चेंज, बट इफ़ यू एड लेमन जूस टू द सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज विल टेक प्लेस। विद द रिएक्शन बिटवीन लेमन जूस एंड वॉशिंग सोडा इन द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस। द चेंज यू नोटिस इन एक्टिविटी इज अ केमिकल चेंज इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। जैसे जैसे तुमने वॉशिंग सोडा मिलाया, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज होगा, लेकिन तुमने क्या करा, अगर लेमन जूस मिला दोगे तुम वॉशिंग सोडा में, लेमन जूस बना दोगे तो क्या होगी? ये केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्योंकि लेमन जूस एंड वॉशिंग सोडा हैव नो इफेक्ट ऑन फायर, बट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एक्सटिंक्शन द फायर। टू चेक इट, ब्रिंग ए बर्निंग माचिस स्टिक एट द माउथ ऑन द फ्लास्क बिफोर एडिंग लेमन जूस। क्योंकि वॉशिंग सोडा और लेमन जूस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है
वो कि आग बुझाने के काम आती है, तो हम उसको एक मैचेस्टिक पास ला के देख सकते हैं, वो जल जाएगी। लेमन जूस के यू विल ऑब्जर्व नो इफेक्ट ऑफ बर्निंग मैचेस्टिक, दिस शो दैट द प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, कि मैचेस्टिक जलेगी नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है। सिमिलरली द मिक्सिंग ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग इन फिजिकल चेंजेस, आयरन फिलिंग कैन ऑलवेज बी रिटायर्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बट ओपन हीटिंग ए केमिकल चेंज ऑफर्स बिटवीन देम फॉर्म आयरन सल्फाइड विच डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर आयरन। देखो ऐसे ही हमने सल्फर और आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दिया तो फिजिकल चेंज होगा, लेकिन अगर हम इसको गर्म करेंगे तो आयरन सल्फाइड बनेगा जो कि केमिकल चेंज होगा। तो ये सब हमने अलग अलग प्रकार के फिजिकल और केमिकल चेंज देखे। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, इससे न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, रिवर्स नहीं होते और इनसे एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। हम आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।